ये आप बर्फ निकाल रहे हो और बेच रहे हो, उसका कॉस्टिंग आपको कितने में पड़ता है और कितने में बेच रहे हो? मेरे को 1 रुपए जैसा पड़ता है। और ये 25 के या 30 केजी वाला सिल्ली हो, कितने में बेचते हो? मैं यहाँ पे 200 रुपए में सप्लाई करता हूँ। एक सिल्ली 200 रुपए में बेचते हो? हाँ। क्या बात है, बढ़िया रेट है। थैंक यू। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, पहले वीडियो में भी, कि सब जगह पे अलग अलग बर्फ का रेट रहता है, कहीं पे 200 रहता है, कहीं पे 500 रहता है, मैंने आपको बता चुका हूँ। ये छोटी सिल्ली है 30 केजी का, फिर भी इसका रेट है 200 रुपए। थोड़ा आपका इधर से उधर तक जाने का 20-30 रुपए जो होगा, मेंटेनेंस गिन लो, फिर भी ओके। अब भैया बताइए, आपको कितने घंटे में बर्फ मिलता है? 15 से 16 घंटे में हो जाता है। अगर कंटिन्यू मशीन चल रहा है तो 15 से 16 घंटे में ये मिल जाता है, प्रोडक्शन हो जाता है। कितना सिल्ली मिलता है? 33 सिल्ली मिलती है अपने को, 30 केजी के। हाँ, पूरे, हाँ पूरे पूरा 33 सिल्ली मिल जाती है। और हमारे कंपनी वाले ने कितना घंटा बोला था? आपकी कंपनी हार्दिक भाई ने तो 24 घंटा बोला था, लेकिन अपने को 15-16 घंटे में ओके हो जाता है। बर्फ पहले ही मिलता है? हाँ, बर्फ पहले ही मिल जाता है, 24 घंटा ही बोलते हैं। अब देखिए, 1 टन का पूरा प्लांट है, पूरी तरह से पैक किया हुआ है, लेकिन एक खिड़की छोड़ा हुआ है, क्योंकि 1 टन के आइस प्लांट में एयर कूलर कंप्रेसर लगता है। इसके लिए हवा पास करने के लिए ऐसी खिड़की बनाना जरूरी है। ऐसे खिड़की आप नहीं बनाओगे तो हवा पास नहीं होगी, और कंप्रेसर है वो हाई प्रेशर पे HP पे ट्रिप मारेगा तो मशीन बंद हो जाएगा, आपको टाइम के अनुसार बर्फ मिलेगा ही नहीं। मशीन में चालू करता हूँ, आप आवाज सुन लीजिए कितना आवाज करते हैं, आपका मन में जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। ये पहले एजिटेटर है और फिर कंप्रेसर है। भारतीय हमड़ा अंत भारतीय हमड़ा इधर के मन में डाउट रहता है कि 1 टन 2 टन 3 टन में जो प्लान अभी पहले लगा रहे, श्रीराम कंपनी लगा रही है, इसमें आवाज कितना रहता है? तो मैंने अभी आपको लाइव दिखाया कि 1 टन का कंप्रेसर है, कितना आवाज आया, उसके ऊपर आप समझ गए होंगे कि ये प्लांट है, आप घर में भी लगा सकते हो, घर के आसपास भी लगा सकते हो, कोई आवाज नहीं आएगा। सिंपल आपके AC की तरह बस उतना ही आवाज करते है, आप जिस घर में जो AC लगाते हो उतना ही आवाज है, उससे किसी को डिस्टर्ब भी नहीं होता, कुछ आवाज ही नहीं है, इसे समझो आप। प्लांट चलाने के लिए आपको कोई लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ी? ना, कोई लाइसेंस लिया नहीं। कोई गवर्नमेंट अधिकारी आपको परेशान कर रहा हो? नहीं, कोई नहीं। इसीलिए हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ये जो कंप्रेसर है उसमें AC फ्रिज में जो फ्लोरन गैस लगता है R22 या 404, वही गैस इसमें यूज होता है, इसीलिए कोई लाइसेंस लेने की भी जरूरत नहीं है, वो आपने लिया भी नहीं है। आज मैं आया हूँ गुजरात में सापुतारा के पास मालगांव में। ये है मुकेश भाई, एक कंपनी के ओनर है, उन्होंने 1 टन का आइस प्लांट खरीदा है। भैया, ये आइस प्लांट आपको कैसा लगा? मस्त है। इसमें ये प्लांट चलाने के लिए आपको कितना लेबर की जरूरत पड़ती है? ओनली वन, एक आदमी, वो भी निकालने के लिए, बाकी ऐसा कुछ 24 घंटे पानी डालने के लिए और बर्फ निकालने बस, बस 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 हमने आपको बोला ही था कि एक लेबर की। हाँ, बस बस। इसमें कोई वाल सेटिंग ऐसा कुछ सेटिंग करने की जरूरत पड़ती है? कुछ नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ नहीं, बस बटन चालू करो, हो गया, छोड़ दो। हाँ। बराबर है। और आपने पावर कनेक्शन कितना HP का लिया था? 7 HP का पावर सप्लाई इधर आता है, इसमें मैंने लिया है इतना। भैया, प्लांट लगाने के लिए आपको कितना जगह जरूरत पड़ा, कितना कंपनी वालों ने कितना बोला था? आपने शायद बोला था 10x12 समथिंग ऐसा कुछ बोला था, मैंने ये बनाया है 12x15 में। अच्छा। हाँ, वो आपकी रिक्वायर के हिसाब से, जगह के हिसाब से आप देख लीजिए, बाकी जो आपने जितना बोला था उतना के हिसाब से मैंने 12x15 का ये रखा है। ज्यादा जगह की जरूरत? ज्यादा जरूरत है ही नहीं, वही ऐसा कुछ सामान वामान आपको अगर कुछ रखना हो तो आप थोड़ा बहुत बड़ा बना सकते हो, बाकी आप देख सकते हो कितना है ये जगह, कितना है, इतने बस इतनी सी जगह है, कंप्रेसर साइड पे रखा है। इसमें मोटर कितनी लगती है? बस ये एक मोटर है अपने पास, वो है नमक गुलाने के लिए। हाँ, एजिटेटर, हाँ, घुमाने के लिए। हाँ, अभी आप देख लो, 1 टन का प्लांट है ये, ठीक है, ये मैं सिद्धपुर से लाया हूँ, हार्दिक भाई, आपको जो कॉन्टेक्ट करना है आपको नंबर मिल जाएगा। ये जब लाया था तब मैंने इसमें डालना पड़ता है नमक, ठीक है, तो मैं 700 केजी लाया था,
उसमें 500 केजी डाला है, 200 केजी अभी खत्म हो गया। एक साल में 500 केजी पहले लगता है, फिर थोड़ा थोड़ा करके वो खत्म हो गया। किसी को एक प्लांट का विजिट करना चाहता है तो इधर आ सकता है, इधर एक टन का आइसलैंड लगा हुआ है तो इधर आराम से आ सकता है, विजिट कर सकते हैं, मुकेश भाई उनसे मुलाकात भी कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल में बहुत सारे वीडियो आए हुए हैं और नए वीडियो आते रहेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे दिए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। कॉल करने का समय 9 से शाम को 5 बजे का। आपको आइस प्लांट खरीदना है हमारे पास से तो पहले क्या करना है, आपको एडवांस जमा करवाना है और बुकिंग करवाना है। बाकी का जो पेमेंट है, जब आप फैक्ट्री पे आते हो हमारी कंपनी में, तब माल देख के बाकी का पेमेंट दीजिए और आपकी डिलीवरी ले जाइए।